गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, चैप्टर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज यही होता है, व्हाट इज फिनेंस? फिनेंस क्या है? फिनेंस आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, यानी कि जो फिनेंस है वो मनी मैनेज करने की आर्ट और साइंस है, जिसमें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फिनेंस यानी कि मनी मैनेज की जाती है। एवरी एंटरप्राइज, वेदर बिग और स्मॉल, नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन एंड एक्सपेंड इट ऑपरेशंस। एवरी एंटरप्राइज, चाहे वो बिग है चाहे वो स्मॉल है, उसे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, उसे कैरी करने के लिए और उसके उसको एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंस यानी कि मनी की नीड होती है। तो ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि जो फाइनेंस है वो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए की का काम करती है। एंड अ फर्म्स सक्सेस, इनफैक्ट इट्स एग्जिस्टेंस यानी कि सर्वाइवल इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ इफिशियंटली इट इज़ एबल टू एक्वायर एंड यूटिलाइज द फंड्स। एक फर्म की सक्सेस, यहाँ तक कि उस फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो भी डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि वो फर्म, ठीक है, फाइनेंस के जो फंड है उनको कितनी इफिशियंटली एक्वायर और यूटिलाइज कर पाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजरियल एक्टिविटी, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी है जो कंसर्न है एक फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के प्लानिंग और कंट्रोलिंग से। इट मीन्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मैनेजरियल प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। प्लानिंग मीन्स उस पर्टिकुलर फर्म को कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस फंड को कैसे प्रिक्योर किया जाएगा, कैसे रेज किया जाएगा, कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू की जाएगी इसके लिए। कंट्रोलिंग, फिर कैसे उस फंड को बिजनेस में इफ़िशियंटली यूटिलाइज़ किया जाएगा। यानी कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो इट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फ्रॉम मोस्ट सुटेबल सोर्सेज एंड मेकिंग द मोस्ट इफ़िशियंट यूज ऑफ सच फंड्स। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो रिलेटेड है एक फर्म के लिए जो मोर सुटेबल सोर्सेज हैं फंड के, उनसे फंड को रेज करना, प्रोक्योर करना, ठीक है, फिर जो फंड रेज किया है यानी कि जो फाइनेंस रिसीव हुआ है, एक्वायर हुआ है, उसको फिर इस तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज करना जिससे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि मोस्ट इफिशियंसी के साथ फिर उसको यूज करना। अच्छा, अब इसमें एक बात ये समझो, फाइनेंस में तो हमने क्या मीनिंग स्टडी किया कि जो फाइनेंस है वो तो मनी को मैनेज करने की आर्ट या साइंस है। फाइनेंस मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मनी की। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मनी वर्ड यूज नहीं कर रहे, उसके प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसका रीज़न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओनली मनी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि मनी के साथ साथ उन एसेट्स, प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है जिनसे पैसा बना सकते हैं। मीन्स वो एसेट्स, प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें फर्म ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, और जिनसे फ्यूचर में मनी अर्न करेगी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में इन्वॉल्व हैं, वो सभी की सभी क्या हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हाँ जी, नेक्स्ट है वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्यों किया जाता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी? तो उसका रीज़न है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मीन्स जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, उनकी वेल्थ को इनक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। हाँ जी, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे FR का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली यूटिलाइज करके उस फर्म या कंपनी के लिए क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है,
ठीक है। फिर इस प्रॉफिट को यूज किया जाता है बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। और जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड होगा तो इससे उस पर्टिकुलर कंपनी यानी कि बिजनेस के शेयर प्राइस और मार्केट शेयर दोनों ही इंक्रीज होंगे, और इनके इंक्रीज होने से वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। और इन बिजनेस मैनेजमेंट का मेन पर्पस भी क्या था, शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर या इवेल्युएशन और स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस की जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, या अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टू एस्पेक्ट या टू अप्रोचेज हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। तो हम फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बस क्या है, एक फर्म को जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उस फाइनेंस के लिए फंड प्रोक्योर करना यानी कि फंड रेज करना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वोज कंसिडर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फंड रेज किए गए हैं यानी कि जो फंड प्रोक्योर किए गए हैं उनके यूटिलाइजेशन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ जी, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के लिए थ्री थिंग्स को स्टडी करता है। वो थ्री थिंग्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेकंड है, मतलब सबसे पहले वो ये देखेगा जिस पर्टिकुलर फर्म में वो फंड यानी कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा है कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि उसके पास फाइनेंस के इंस्टीट्यूशनल सोर्स कितने हैं, कितने उसे बाहर से अरेंज करने होंगे। सेकंड है इश्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच फंड्स आर रेज फ्रॉम कैपिटल मार्केट, यानी कि फर्स्ट में उसने ये पता लगा लिया कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और कितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अवेलेबल हो जाएगा और कितने के लिए उसे फंड रेज करना होगा। तो वो सेकेंड नंबर पे उसका क्या काम होगा, वो कैपिटल मार्केट से फंड रेज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स सिक्योरिटीज इशू करेगा, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके या डिबेंचर इशू करके या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके फंड रेज कर लेगा। नेक्स्ट है लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स सोर्स ऑफ फंड्स। हाँ जी, तो कंक्लूजन की फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी ड्यूटी एक्सटर्नल पार्टीज से ओनली फंड रेज करने की होती है, यानी कि उसका काम सिर्फ क्या होता है कि जितने फंड या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर फर्म को, बस उस फंड को रेज करना है एक्सटर्नल पार्टीज से। दैट ही वॉज नॉट कंसर्न विद टेकिंग द इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन। उस पर्टिकुलर फर्म में जो भी इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर की कोई भी ड्यूटी नहीं होती, यानी कि वो कोई भी इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेता। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इफिशियंट यूज ऑफ फंड्स, और वो जो ये फंड रेज किए हैं इनके इफिशियंट यूटिलाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसका मतलब उसकी ड्यूटी सिर्फ क्या होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी कि फंड रेज करना। हाँ जी, सेकंड अप्रोच थी हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंस फंक्शन यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट में कवर बोथ, दोनों कवर किए जाते हैं। क्या दोनों कवर किए जाते हैं, फर्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी कि फंड को प्रोक्योर करना, फंड रेज करना, सेकंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स, और जो फंड रेज किए गए हैं यानी कि जो फंड प्रोक्योर किए गए हैं उनका इफिशियंट यूटिलाइजेशन करना। ये दोनों ही काम किस में इन्वॉल्व किए जाएंगे, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में।
इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसे एक फर्म के फाइनेंस से रिलेटेड मेजर थ्री प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स एंड एंटरप्राइज शुड कमिट, यानी कि सबसे पहले उसे ये देखना होता है कि एक एंटरप्राइज यानी कि एक फर्म को टोटल कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इसमें वो क्या चेक करेगा, फंड की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। सेकंड, हाउ शुड द फंड्स रिक्वायर बी अरेंज, सेकंड में ये देखेगा कि जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसे कौन से सुटेबल फंड से वो रेज करेगा। फॉर एग्जांपल, इसके लिए वो सिक्योरिटीज इशू करेगा, ठीक है, सिक्योरिटीज में लाइक इक्विटी शेयर इशू करेगा या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा या डिबेंचर इशू करेगा या रिटेन अर्निंग के थ्रू फंड रेज करेगा, यानी कि फंड को रेज कैसे करेगा। लास्ट, इन व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स द एंटरप्राइज शुड इन्वेस्ट इट्स फंड, और लास्ट में वो क्या देखेगा, फंड रेज हो गए सेकंड के अंदर, अब जो फंड रेज हुए हैं, ठीक है, उनका इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन। तो इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन के लिए उसे ये चेक करना होगा कि उस फर्म या उस एंटरप्राइज की कौन से स्पेसिफिक एसेट्स में कितना फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि ये बोल सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द थ्री डिसीजंस। यानी कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें थ्री डिसीजंस लिए जाते हैं। वो डिसीजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, और तीनों ही चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन कौन से आएंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। सेकंड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस कैपिटल बस्टिंग, रिस्क एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ जी, थर्ड डिसीजन होगा डिविडेंट डिसीजन, जिसमें हम स्टडी करेंगे डिविडेंट डिसीजन, ठीक है। इन तीनों ही डिसीजन की जो डिटेल है वो हम आगे करेंगे। बस यहाँ पे आपको इतना पता हो कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें मेनली थ्री डिसीजन लिए जाते हैं। वो डिसीजन कौन कौन से हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड है डिविडेंट डिसीजन। हाँ जी, दोनों ही अप्रोचेज में हम बार बार स्टडी कर रहे थे प्रोक्योरमेंट या रेज ऑफ फंड, यानी कि जो फंड है, ठीक है, उनको रेज कैसे करेंगे, कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू की जाएगी। तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट है ओन फंड्स और सेकंड है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ओन फंड्स। ओन फंड्स को आगे टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट है इक्विटी और सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी ओन फंड का मतलब इक्विटी शेयर इशू करके या प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड यानी कि फाइनेंस रेज किया जा सकता है। इक्विटी शेयर आगे टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड है रिटेन अर्निंग। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बहुत अच्छे से पता है, शेयर का एक टाइप है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से क्या डिडक्ट कर देंगे? डिविडेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिटेन अर्निंग, ठीक है। रिटेन अर्निंग किसकी फॉर्म में होगी? रिजर्व एंड सरप्लस की फॉर्म में, मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है बल्कि बिजनेस में रिजर्व के फॉर्म में रख लिया है फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो वो होगा रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग के थ्रू भी फंड रेज किए जा सकते हैं, मीन्स फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। हाँ जी, सेकेंड है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स जैसे बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड इशू करके और पब्लिक डिपॉजिट, मतलब इनके थ्रू भी फंड या फाइनेंस रेज किया जा सकता है, प्रोक्योर किया जा सकता है। अब जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं इनके ऊपर फर्म को क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। और जो ओन फंड्स हैं उनके ऊपर क्या पे करना होता है? डिविडेंड पे करना होता है। तो जब भी फर्म फंड्स रेज करती है, ठीक है, तो वो इनमें से सोच समझ कर डिसीजन लेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे फंड रेज के सोर्सेज, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है ये कैसी कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है,
जबकि जो डिविडेंट है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो फिक्स है, ठीक है। और अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी पे वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंट की रेट ज़्यादा होती है, और अगर कम है तो डिविडेंट की रेट भी कम रहती है। तो सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है कि इनमें से कौन से सोर्स ऑफ फंड से फंड रेज किए जाएं। हाँ जी, इसमें हम बार बार वर्ड यूज कर रहे थे इफेक्टिवली और इफिशियंटली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे जो फंड रेज किए हैं उनका इफेक्टिवली और इफिशियंटली यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो फर्म हैं वो सोर्स ऑफ फंड यानी कि फाइनेंस के जो फंड है उनको इस तरीके से यूज करें कि जो उसकी अर्निंग है वो इंक्रीज हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लेते हैं एक फर्म ने लोन लिया, ठीक है, कितने का? ₹10 लाख का, यानी कि उसे 10 लाख फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, और ये उसने किसके थ्रू रेज किया? लोन के थ्रू रेज किया, यानी कि उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया, लॉन्ग टर्म डेट्स, और इस पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो फर्म को पे करना पड़ेगा यानी कि फर्म की जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? 10% पर एनम, भाई इतना तो फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो फर्म इस 10 लाख को इन्वेस्ट करके इसके ऊपर रिटर्न अर्न कर पा रही है या तो 10% के इक्वल या 10% से मोर देन, तो इट मीन्स वो फंड यानी कि ₹10 लाख को इफेक्टिवली और इफिशियंटली यूटिलाइज कर पा रही है, ठीक है। अगर वो 10% से भी कम अर्न कर रही है तो इट मीन्स वो अच्छे से उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि 10% तो उसे रिटर्न ही करना पड़ेगा।